So hello students, our today's topic is exercise 2.1 and the chapter is polynomials. So इसमें देखेंगे क्वेश्चन की जो कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स, मतलब y आपका जो है एक पॉलिनोमियल है जो कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल जो कि x के टर्म्स में है. ओके, y इज इक्वल्स टू पी एक्स है पॉलिनोमियल जो x के टर्म में पॉलिनोमियल है. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, सो ये क्या है एक पॉलिनोमियल है और ये किसके टर्म्स में, ये x के टर्म्स में. यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कौन सा है, x है. आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. इसमें आपको जो इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ दिया हुआ है, देखिए हर क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे ये रहा ग्राफ, यहाँ पे आपका ग्राफ ये रहा और अगेन यहाँ पे ग्राफ ये रहा. सो इतने सारे ग्राफ दिए हुए हैं, आपको इन पॉलिनोमियल के ग्राफ के लिए जीरोस की वैल्यू बतानी है. तो मैं सबसे पहले बता दूँ जीरोस का मतलब होता क्या है. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए जो आपका ये जो वाई है वो कैसा आ जाए, जीरो आ जाए. मतलब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू आप ऐसा क्या रखें, एक्स की जगह आप ऐसा क्या पुट करें ताकि इसकी होल की जो वैल्यू होगी वो जीरो आ जाए. मतलब ये जो वाई आएगा वो कैसा आ जाए, जीरो आ जाए. तो इसका मतलब ये है आपका वाई जो है वो जीरो होना चाहिए. अगर पॉलिनोमियल का जीरो कैलकुलेट कर रहे हैं आप तो वाई आपका जीरो होना चाहिए. तो आपको सभी ग्राफ में ये देखना है कि वाई जीरो कहाँ कहाँ पर होगा. सो आपको पता है वाई जो है वो जीरो होता है कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे. y आपका जीरो x एक्सिस पे होता है. तो हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है. जितनी बार वो x एक्सिस के ग्राफ को x एक्सिस को टच करेगा उतना उसके ज़ीरो हो जाएंगे. अगर वो x एक्सिस को तीन बार टच करता है तो उसके ज़ीरो तीन हो जाएंगे. अगर वो x एक्सिस को दो बार टच कर रहा है सो दो ज़ीरो हो जाएंगे. और अगर एक भी बार टच नहीं कर रहा है सो आपके ज़ीरोस एक भी नहीं होंगे. सो पहला वाला देख लेते हैं. इसमें ये फर्स्ट डायग्राम है, इसमें आपका जो ग्राफ दिया हुआ है पॉलिनोमियल का वो ये रहा. दिस इज द पॉलिनोमियल ग्राफ. अब ये एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं कर रहा है सो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, एक भी नहीं. सो नो जीरोस, इसके आपके कोई भी जीरोस नहीं होंगे क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा है. सेकेंड केस में देख लेते हैं. ये है आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ और ये एक्स एक्सिस को देखिए, इसने यहाँ पर टच किया और इसके बाद ये सीधे निकल गया. ठीक है, सो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया इसने, वन टाइम. सो देर इज ओनली वन जीरो, वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, थर्ड केस में देख लेते हैं. थर्ड केस में आप एक्स एक्सिस को जो है ये वन टाइम, टू टाइम्स एंड दिस इज थ्री टाइम्स. ये एक्स एक्सिस को थ्री टाइम्स टच कर रहा था, इसके जीरोस कितने हो गए, थ्री. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये वन और ये टू, ये टू टाइम्स टच कर रहा है तो इसके जीरोस कितने हो गए, टू. ओके, अभी नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं. एक्स एक्सिस को इसने यहाँ टच किया ग्राफ ने, फिर यहाँ टच किया और यहाँ टच किया. इसको आप मत लेना बिकॉज ये वाई एक्सिस है, हमें ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है. एंड दिस इज़ द फोर्थ टाइम. सो इसके जीरोस हो गए फोर. नेक्स्ट में ये है एक्सिस, यहाँ पर इसने टच किया है, फिर यहाँ पर किया है और फिर यहाँ पर किया है. सो ये इसके ज़ीरोज़ हो गए तीन. सो यहाँ पे वन टाइम, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो टाइम, यहाँ पे वन टाइम और यहाँ पे थ्री टाइम्स. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वन टाइम, यहाँ पे थ्री टाइम्स, यहाँ पे टू टाइम्स, फोर टाइम्स एंड थ्री टाइम्स. सो ये हो गए इनके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़.